नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे कितना आजाद, कितना जवाबदेह है हमारा मीडिया। हम सचमुच खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास औपचारिक तौर पर एक संविधान सम्मत लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचा है, लेकिन मिजाज के स्तर पर हमारी लोकतांत्रिकता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान सुपुर्द करने के तुरंत बाद हमें इस बारे में चेताया था। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खात्मे की बात की, लेकिन राजनीतिक स्तर पर उस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई। भीषण गैर बराबरी आधारित हमारे समाज में कुछ व्यक्तियों, परिवारों और समूहों का लगातार ताकतवर होते जाना कोई संयोग नहीं है। संयोग है तो यह कि कुछ एक बाधाओं के बावजूद हमारा औपचारिक लोकतांत्रिक ढांचा कायम है, पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी लगातार दिख रही है। आमतौर पर जून के आखिरी सप्ताह में हम आपातकाल को याद करने का कर्मकांड करते हैं, जिसने अभिव्यक्त की आजादी सहित हमारे जनतंत्र को बाधित किया और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला मरोड़ा था। इनमें प्रेस यानी मीडिया भी एक था। एक बड़े नेता ने उस वक्त मीडिया के बारे में दिलचस्प टिप्पणी की, प्रेस को झुकने को कहा गया तो वो रेंगने लगा। अपने देश में आज मीडिया का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अखबारों चैनलों का अंबार सा है, सेंसर नहीं है पर सेल्फ सेंसरशिप का दायरा साफ दिखता है। कई बार लगता है मीडिया का बड़ा हिस्सा हमारे समाज में खास मानस के निर्माण में जुटा हुआ है। आप यह न कहें कि हम बेवजह आत्मालोचना का ये सुर अलापने लगे। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को 180 देशों की सूची में 140वें पायदान पर रखा गया है। क्या पूंजी और वर्चस्व की शक्तियों के तिकड़म के चलते स्वतंत्रता और जन सरोकारों में कमी आई है? क्या है उसका भविष्य? हमारे समाज और सत्ता की भावी चुनौतियों के मद्देनजर वो कहां तक और कैसे टिकेगा? क्या अपनी ताकत और कमजोरी की वजहों पर उसकी नजर है? इसी तरह के कुछ अहम सवालों पर आज हम मीडिया मंथन में बात करेंगे। आज की बातचीत में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कुलदीप नय्यर साहब, आप हमारे साथ हैं विनोद कुमार शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, और साथ में है अशोक टंडन, वरिष्ठ पत्रकार और एनडीए पीरियड में, एनडीए पहले एनडीए में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। आप तीनों का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। शुरुआत विनोद हम आपसे करेंगे। जब कभी इमरजेंसी की बात आती है तो हम उस दौर को याद करते हैं। एक अजीब तरह का कर्मकांडी अंदाज होता है दरअसल, क्योंकि हम आज की जो हकीकत है, आज की जो रियलिटी है, उससे शायद रूबरू नहीं होना चाहते, हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं। क्या समझते हैं आज की रियलिटी को, खासकर मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में? कितनी आजादी, कितने सरोकार, कितने कमिटमेंट, कितने कंसर्न्स हैं हमारे मीडिया के लेकर? देखिए, सरकारों से तो मीडिया को और उसके फ्रीडम्स को हमेशा से चैलेंज रहता है। मैं खतरा का शब्द इस्तेमाल नहीं करूं, लेकिन आज के दिन जो मीडिया को सही में खतरा है, उसकी स्वतंत्रता को खतरा है, अभिव्यक्ति को खतरा है, चॉइस ऑफ न्यूज को खतरा है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस से है। वो इतना कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस से नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे इलाके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर आतंकवाद है या एक्सट्रीमिज्म है, तो वहां पर आपको उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से खतरा है। आप दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और किसी ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट के खिलाफ आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपको कैपिटल से खतरा है। देखिए, मीडिया भारत की पॉलिटिकल प्रोसेसेस में और उसके धन लाने की प्रक्रिया में, उसका निवेश करने की प्रक्रिया में इतना लिप्त हो चुका है कि बड़ी मुश्किल है उसके लिए कि कोई ऐसा डिसीजन ले सके जैसे मैं और आप। मीडिया का फ्रीडम क्या है? वर्किंग जर्नलिस्ट का फ्रीडम है। वो जयपाल रेड्डी एक बड़ी अच्छी फ्रेज यूज करता है, बेयर फुट एजुकेशन वर्कर्स। हम जो बेयर फुट एजुकेशन वर्कर हुआ करते थे, जो मिसाल हमको कुलदीप नय्यर जैसे लोगों ने दी और जिसको लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो रिले रेस जो है कहीं जाकर रुक गई है, और उसको अब वहां से आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बात हमारे हाथ से निकल गई है, बात एडिटर साहबान के हाथ से भी निकल गई है, बात प्रोपराइटर साहबान के हाथ से भी निकल गई है, बात तो अब उन लोगों के पास पहुंच गई है जो इश्तेहार देते हैं। लेकिन अशोक टंडन जो ये बात कह रहे हैं कि पत्रकारों के हाथ से निकल गई है, संपादकों के हाथ से निकल गई है, यहां तक कि स्वामी जो मालिक है उनके हाथ से भी निकल गई है,
विज्ञापनदाताओं का राज है, उनका रिपब्लिक हो गया है मीडिया। तो क्या आपको ये लगता है कि सूचना और ज्ञान देने का जो हमारा कमिटमेंट या हमारा मकसद जो रहा है मीडिया का, क्या वो वाकई मिसिंग है, वो बिल्कुल गायब है, हमारे कंसर्न्स नहीं है, हम सिर्फ विज्ञापन, एक कहा किसी मालिक ने एक बड़े अखबार के कि हम खबर के नहीं, हम विज्ञापन के धंधे में हैं, तो क्या यही सच्चाई है आज की, हम मानकर चलें? देखिए, आपने भीमराव अंबेडकर का नाम लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब फ्रीडम ऑफ प्रेस पर डिस्कशन हो रही थी तो एक बहुत बड़े वर्ग से यह मांग आई थी कि हमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इसको 19(1)(a) में खास तौर से मेंशन करना चाहिए, ताकि देश में, स्वतंत्र भारत में, प्रेस की स्वतंत्रता को हम स्पेसिफाई करें। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय चेतावनी दी थी जो आज भी रेलेवेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, ये प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत ही रहनी चाहिए, क्योंकि 19(1)(a) देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, और प्रेस की स्वतंत्रता उसी दायरे में रहनी चाहिए। अलग से अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसमें उसका नाजायज फायदा उठाया जा सकता है, और वो नाजायज फायदा प्रेस यानी मीडिया भी उठा सकता है। ये दूरदर्शिता जो अंबेडकर ने दिखाई, आज वही हमें दिखाई दे रही है कि मीडिया का जो स्वरूप बन रहा है इस देश में, जिस तरह की बातें अभी विनोद ने भी कही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि मीडिया का भी एक वर्ग है। मैं उस वर्ग का नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहकर लेना नहीं चाहता था, लेकिन वो आज देश में एजेंडा सेट करना चाहता है, वो देश की राजनीति का दिशा निर्देशक बनना चाहता है, वो ये चाहता है जैसा हम चाहें वैसा देश चले, वैसी राजनीति चले, नहीं तो हम देश को चलने नहीं देंगे। ये जो मीडिया का नया स्वरूप हम देश के सामने आज देख रहे हैं, ये वही अंबेडकर की चेतावनी है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस के नाम पर मीडिया कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि मीडिया किस प्रकार से पीछे से ड्रिवन हो रहा है, जिसका एक इशारा विनोद शर्मा ने किया, उसके और पहलू भी हैं कि उन मीडिया को पीछे से ड्राइव कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसके निहित स्वार्थ क्या हैं, इस पर भी बहस होनी। लेकिन नेहर साहब, एजेंडा मीडिया सेट कर रहा है या मीडिया को एजेंडा कहीं और से मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपने कल इंडियन एक्सप्रेस के अपने एक आर्टिकल में कहा कि आज भारत में जो शासक वर्ग है उसको असंवैधानिक हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होने की जरूरत नहीं है, इस देश का मीडिया इतना समर्पित है उसके लिए, इस देश का मीडिया इतना प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गया है कि अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है कि कोई ऐसी चीजें, ऐसे हथकंडे अपनाए जाएं जो लगे लोगों को कि ये गलत है, ये निरंकुश आचरण है। क्या कहेंगे इन दोनों पहलुओं पर? देखिए, जब ये सवाल आजादी के बाद आया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बनवाया था। उसका मतलब ये था कि आप जर्नलिस्ट को नौकरी से नहीं निकाल सकते, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं ज्यादा यही, लेकिन नौकरी से नहीं। अब आज क्या हुआ कि वर्किंग जर्नलिस्ट तो है पड़ा हुआ, अब जब मालिक हायर करता है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे करता है, 2 साल का, 3 साल का, और वो जो जर्नलिस्ट है उसके सिर पे वो तलवार लटकी रहती है कि भाई भाई 2 साल के बाद मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो फिर यही करता है कि भाई जो है चाहते हैं वैसा ही काम करो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जर्नलिस्टों को या जो मीडिया वाले चैनल्स में है, विद इन दोज लिमिट्स, बहुत एक रेखा ऐसी है जो उसको पार करना मुश्किल है, उसके लिमिट्स वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी उसके पास अब साधन जो भी हैं उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये तलवार लटकती रहती है और उसकी वजह से अब देखिए, कोई मोदी गवर्नमेंट को जरूरत नहीं कि कुछ मीडिया पे कंट्रोल करे, वो वैसे ही उस हिसाब से हो जाता है कंट्रोल। और दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं ये कि अब हमारे जर्नलिस्टों में ये आदत हो गई है कि भाई प्रो एस्टेब्लिशमेंट में जरा फायदा रहता है उसमें, तो जो हमारे वक्त में एक था कि अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट नहीं है तो वो काम का नहीं, उसे जर्नलिस्ट माना नहीं जाता। हाँ, माना ही, हाँ वही जर्नलिस्ट हो तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट,
अब वो बात नहीं रही, अब लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करने में कोई लोग बहुत दरेज नहीं करते जर्नलिस्ट। लेकिन लेकिन जो एक बात अशोक जी ने उठाई कि आपको लगता है कि मीडिया एजेंडा पूरी स्टेट के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए वो सेट कर रहा है या मीडिया का एजेंडा कोई और सेट कर रहा है, जो 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 एक कई बार चॉम्स्की कहते हैं पूरे दुनिया भर के मीडिया के बारे में कि आई मीन मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट। तो मीडिया जो एजेंडा सेट कर रहा है वो किसी और का एजेंडा है या मीडिया के अंदर से आ रहा है? नहीं, वो किसी और का। देखिए मीडिया का जो एजेंडा है, क्या जर्नलिस्ट तो काम कर रहा है ना, जो भी आप उसे थे, लेकिन उसका जो आता है पीछे से, या तो अब मालिक चैनल्स का ज्यादा तक जो है मालिक वो ये प्रॉपर्टी डीलर या फोर्थ स्टेट वाला ज्यादा हो गया, क्योंकि पैसा लगता है। और जो अखबार का है वो कोई ना कोई मालिक पीछे से है। मैं समझता हूं कि आज जर्नलिस्ट जो है वो बेचारा बहुत कोशिश करता है, कुछ तो लोग सब उधर हो जाते हैं लेकिन कोशिश करता है। अगर मीडिया का एजेंडा सेट होता है तो वो लोग करते हैं, और वो लोग कोई मोदी गवर्नमेंट से नहीं, वो तो देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसके हिसाब से करते हैं और वो अपना क्लाउड यूज करते हैं। विनोद कुलदीप नय्यर साहब जो कह रहे हैं वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, क्या इसको पार्लियामेंट में कभी इसे खत्म नहीं किया गया, किसी भी मूव करके कोई पहल करके इस एक्ट को खत्म किया गया हो? ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरे देश के मीडिया से लगभग खत्म है। क्या वाकई भारत में अभिव्यक्त की आजादी, मीडिया की स्वतंत्रता और जो एस्टेब्लिशमेंट है मीडिया के, उसमें जो कमजोरी आई है उसका एक अहम कारण यह भी है कि आज पत्रकार अपनी सुरक्षा, खासकर अपनी रोजगार संबंधी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल असुरक्षित महसूस करता है, उस पर हमेशा तलवार लटकी रहती है, यह भी एक बड़ा कारण है? ये बात सच है, क्योंकि जो पुराने वक्तों में जैसे कि नय्यर साहब ने कहा कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, अब वो लगभग ना लागू होने के समान है, और एक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। अब उस पर तो कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकता। अगर मैं स्वतंत्र तरीके से जाके कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूं और मैं उस परिधि में नहीं रहना चाहता और वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो देखिए दो तीन चीजें एक साथ हुई हैं। एक तो देखिए चार पिलर्स हैं स्टेट के, और हामिद अंसारी साहब ने एक बार कहा था कि चार पिलर्स में से एक पिलर है जो डंके की चोट पे कहता है कि मैं मुनाफाखोरी करता हूं, और वो है फोर्थ स्टेट। अब जो फोर्थ स्टेट है जो मुनाफाखोरी करती है, तो उसपे साथ साथ ये भी दायित्व बनता है कि अपनी मुनाफाखोरी को हावी ना होने दे अपने सोशल मिशन पे, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। जैसा कि अशोक साहब ने कहा 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इंडिविजुअल की होती है, वहां से मीडिया को एक डिराइव्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है। हमारा जो फ्री प्रेस का कॉन्सेप्ट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट आइडिया। अब मेरा बार बार ये मैं कहता हूं कि अगर आप दो चार चीजें इकट्ठी होती हुई देखें कि जो पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट है, वो पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट कैश फॉर क्वेरी से कैसे अलग है आप बताइए, और तीसरा अंकल जजेस से कैसे अलग है? तो हर इदारे में इस देश के धुन फैल रही है, धुन लग रही है, और हम लोग उस पर बहस संजीदगी किससे नहीं कर रहे जी, क्योंकि हमको इस गठजोड़ में मजा आ रहा है। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी के साथ भारतीय मीडिया की कमजोरी का विस्तार हुआ है, उसमें फैलाव हुआ है, इनके बीच क्या रिश्ता है? और भारतीय मीडिया को अगर हम सचमुच मजबूत देखना चाहते हैं, सचमुच उसकी जीवात्मा को सशक्त देखना चाहते हैं, जीवंत देखना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? हम एक अंतराल के बाद अपने तीनों मेहमानों से इस विषय पर भी राय लेंगे। देखते रहिए मीडिया मंथन। मीडिया मंथन में आज हम बात कर रहे हैं कितना आजाद कितना जवाबदेह है हमारा मीडिया। अशोक जी, अभी जो विनोद शर्मा कह रहे थे कि कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो प्रभाव पड़ा है उसमें मीडिया उसका एक हिस्सा है, मीडिया में भी उसका रिफ्लेक्शन, उसकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। हम समझना ये चाहते हैं कि आखिर हम कहते हैं कि हमने आपातकाल से काफी सीखा, काफी सबक लिया, लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पर देखते हैं तो आपातकाल के बाद जो लोग उस ट्रेंड, उस टेंडेंसी, उस राजनीतिक प्रवृत्ति के खिलाफ थे, उनके उनके बारे में हम कोई कमेंट आज नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए क्या स्थितियां हैं, जो मूल्य
जिन मूल्यों की वो खिलाफत कर रहे थे या उनका विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं वही परिवारवाद, वही निरंकुशतावाद, वही एक एक तरह का इंडिविजुअलिज्म, एक तरह का ऑटोक्रेटिक सोच राजनीति में दिखता है। लेकिन मीडिया में अगर आप देखें, उस वक्त भी स्टेट चाहती थी कि सब कुछ उसके हाथ में हो, आज भी कहीं ना कहीं, केवल हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लगातार तब से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं, एक एक अधिकारवाद हमेशा दिमाग में है कहीं ना कहीं। कैसे देखते हैं इस पहलू को, क्या मीडिया की कमजोरी का यह भी एक कारण है? देखिए, इमरजेंसी के बाद से मीडिया का जो स्वरूप बना है इस देश में, कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया हाउसेस हो रहा है, सारे मीडिया चैनल्स एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं, अखबारों का इस प्रकार से एकत्रीकरण हो रहा है, और उसको खरीद कौन रहा है? बिग बिजनेस खरीद रहा है। इस देश का बिग बिजनेस अखबारों का, चैनल का मालिक बन रहा है, और उस बिग बिजनेस के इंटरेस्ट केवल भारत के व्यापार में ही नहीं है, उस बिग बिजनेस के इंटरेस्ट मल्टीनेशनल्स के साथ हैं, दूसरे देशों के साथ हैं, एक वैश्विक गठबंधन में है, और वो उस अपने माध्यम को जिस पर वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको यूज करते हुए वो देश की राजनीति पर छाना चाहते हैं, देश का एजेंडा सेट करना चाहते हैं, और देश के राजनेताओं को भी प्रभावित करते हैं। तो मेरा कहना है कि हमारी बहस बड़े व्यापक स्वरूप में होनी चाहिए कि ये जो इस प्रकार से मीडिया का एक केंद्रीकरण कुछ हाथों में हो रहा है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो उसके द्वारा क्या प्रेस की स्वतंत्रता में उनका विश्वास है भी कि नहीं है, क्या सचमुच में आज का मीडिया, विशेष तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या हम उसको प्रेस भी कह सकते हैं कि नहीं, हम जिसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन हाथों में वो मीडिया चला गया है वो मीडिया के द्वारा उसका इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा एजेंडा सेट कर रहे हैं कि जैसे सरकार में जिसको वो चाहेंगे रहेगा, जिसको वो नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, कब किसकी सरकार जाएगी, क्योंकि उनके जो व्यापक आर्थिक हित जुड़े हुए हैं मल्टीनेशनल्स के बाहर के, उन सब चीजों को देखते हुए मेरा मानना है कि मीडिया को सबसे बड़ा खतरा जो इस केंद्रीकरण का हो रहा है और जो हाथों में जा रहा है मल्टीनेशनल्स के, और जिस प्रकार से बाहर की ताकतें आकर भी हमारे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसमें क्या इस देश में सचमुच में लोकतंत्र को भी खतरा पैदा हो रहा है, ऐसा मेरा मानना। कुलदीप नैयर साहब, जो बात अशोक टंडन कह रहे हैं, हम उसी बात को एक खास पहलू से जोड़कर आपसे समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, कि अगर 1952-54 का दौर देखा जाए जब पहला प्रेस कमीशन बना, 1978 का दौर देखा जाए, हालांकि वो फिर खत्म हुआ, फिर 1980-82 में दूसरा प्रेस कमीशन काम किया, इसके बाद से भारत में प्रेस की या मीडिया की समस्याओं को लेकर, उसके अंदर के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसके अंदर के जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, कोई समाधान पेश करने के लिए कोई बड़ी पहल नहीं हुई। ये बात ठीक है कि समय समय पर रिपोर्ट्स आती रही पार्लियामेंट की, 2013 में एक बहुत ही शानदार स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से संबंधित, पेड न्यूज पर भी कुछ काम हुए, लेकिन एक स्ट्रक्चरल, एक कोई बड़ा काम स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि भारत में वो वक्त आ गया है, मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना विस्तार हुआ है कि हमें भारत में एक इंडिपेंडेंट किस्म का इनिशिएटिव होना चाहिए जिसको स्टेट का भी समर्थन हो, पब्लिक का भी समर्थन हो, जिससे कि मीडिया की इन समस्याओं को एड्रेस किया जा सके? देखिए, मैंने ये खुद कोशिश किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने कहा कि देखिए, कमीशन, प्रेस कमीशन बना था जब इमरजेंसी के वक्त, उसके बाद तो कोई कमीशन नहीं बना, तो मीडिया कमीशन बनाइए ताकि सब पता चले क्या रिलेशन है अब रेडियो, टीवी और पेपर का, या प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक का। तो खैर, हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिख दो। मैंने लिख के दे दिया, लेकिन बना नहीं। फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने कोशिश की, बहुत कहा मैंने, अब अरुण जी हैं आजकल मिनिस्टर, मैं बहुत दफा इनसे कह चुका हूं कि भाई कोई कमीशन बनाओ ताकि सब चीजों को, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि भाई कोई ऐसी चीजें बाहर ना आए या कुछ ऐसी चीज ना हो जिससे कि जो अब इस वक्त एक इक्विलिब्रियम है वो, कि भाई अखबार वाला लिमिटेड दायरे में काम करता है और चल रहा जा रहा है, वो उसको तोड़ना नहीं। ट्राई ने भी एक रिकमेंडेशन दिया, दो रिकमेंडेशन दिए बल्कि, ट्राई ने, TRII ने। अच्छा। लेकिन उस पर भी कोई खास बात नहीं। जो इंडस्ट्री है, जिसको इंडस्ट्री हम कहते हैं, वो इंडस्ट्री चाहती नहीं है कि इस प्रकार का कोई
इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बने, या वो तो प्रेस काउंसिल को भी नहीं चाहते, वो उनका कहना है कि हम अगर इंडस्ट्री हैं पर हम पर आप किस बात का नियंत्रण रखते हैं, ये मीडिया की फ्रीडम के लिए ठेकेदारी हम पर क्यों है। जैसा विनोद ने कहा, हम तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो जब हम पैसा कमाने के लिए आए हैं तो हम पर किसी तरह का रेगुलेशन नहीं, हम किसी वेज बोर्ड को नहीं मानते, हम कोई लेबर वो फैक्ट्री नहीं है, तो एडिटोरियल फ्रीडम, मीडिया की सैलरी स्ट्रक्चर, ये सब खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री हावी होना चाहिए। लेकिन विनोद, अगर हम मीडिया को एक पब्लिक ट्रस्ट की तरह देखना चाहते हैं, जो एक आइडियल एक पोजीशन होनी चाहिए, और हम मीडिया कर्मियों का कमिटमेंट भी होना चाहिए, तो आखिर इस देश की पब्लिक, इस देश की जनता अगर मीडिया के इस चेहरे से जो आज का चेहरा है उससे वाकई उबी हुई है और उबेगी, तो वो पब्लिक ट्रस्ट वाला चेहरा कैसे सामने आएगा? देखो, जिस देश में गांधी जी का ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट नहीं, उसकी इज्जत नहीं हुई। और वो जो पैसा, जो गांधी जी कहते थे सरमायादारों को कि ये जो पैसा है तुम्हारे पास, इट इज अ मनी हेल्ड इन ट्रस्ट, इट्स अ पब्लिक मनी हेल्ड इन ट्रस्ट, उस मनी का किस तरह से दुरुपयोग होता है, बैंकों से पैसे लेकर उनको वापस नहीं दिए जाते, वो अलग विषय है। तुमने चॉम्स्की की बात कही थी, देखिए चॉम्स्की मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन कॉन्सेंट की बात करता है, लेकिन यूनिफॉर्म्ड ओपिनियन की भी कुछ मुद्दों पे बात करता है जी, कि कुछ फोर्सेस का ये लहता है उत्तेजना कि कुछ मुद्दों पे इस देश में विचार एकमत हो जाए। बिल्कुल, जुदा विचार नहीं होने चाहिए उसमें। मिसाल के तौर पे कश्मीर पे एक विचार हो जाए, मिसाल के तौर पे हमारे हमसाया मुल्कों से कैसे रिश्ते रखने, एक विचार हो जाए, इस देश में माइनॉरिटीज पे एक विचार हो जाए। दैट्स द मोस्ट डेंजरस कॉन्सेप्ट। और उसके चलते मैं ये मानता हूं, देखिए क्या मीडिया में भी इसका रिफ्लेक्शन है? बिल्कुल है, आप देखते नहीं है जी। मेरे को, मैं ये मानता हूं कि मुझे जो फ्रीडम दिया गया है वो इस आधार पर दिया गया है कि डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑनेस्ट डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर, इट एम्पावर्स पब्लिक ओपिनियन विच मेक्स डेमोक्रेसी रोबस्ट। क्या उस प्रक्रिया का सही से अनुपालन हो रहा है, इस पे भारत की उच्चतम न्यायाधीश कोर्ट को एक पीठ बिठाकर इस पे विचार करना चाहिए, और उसके बाद हमको एक फॉरवर्ड, एक रोड मैप देना चाहिए कि आप इसको उपलब्ध करने के लिए जनता को इस दिशा में चले। लेकिन कुलदीप नय्यर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं या कोर्ट की, कोर्ट क्या क्या करे? कोर्ट ने बहुत पहले कहा, और मैं समझता हूं कि 10-11 साल पहले, कि एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन हम जानते हैं कि एयरवेव्स पर किसका आधिपत्य है, स्टेट अपना आधिपत्य छोड़ने को तैयार नहीं है। इमरजेंसी में जो सवाल थे, इमरजेंसी के बाद जो सवाल थे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, क्या समझते हैं कि उससे कुछ भी सबक लिया गया? पब्लिक ब्रॉडकास्टर बेसिकली सरकारी ब्रॉडकास्टर हो गया है, और ये केवल इस रिजिम की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लगातार जो रिजिम आई इमरजेंसी के बाद, उसने भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर को इस रूप में नहीं रहने दिया जिस तरह से हम दुनिया के कई अन्य देशों में देखते हैं। तो ये जो पहलू भारतीय समाज का है, बहुत खास पहलू, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, एक तो पहले, और रेमेडी, और इसका समाधान क्या है? पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है या मीडिया मैन है, उसकी कमिटमेंट नहीं आज। अब वो समझता है कि मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, प्रोफेशन नहीं, अब इंडस्ट्री हो गया। और वो इंडस्ट्री में भाई कितनी तनख्वाह मिले, क्या मिले, दूसरी चीजें मिले, लेकिन वो उसकी कमिटमेंट नहीं रही कि क्या एज ए जर्नलिस्ट उसकी क्या कमिटमेंट है इस देश को, अपने हाँ क्या है, अखबार को क्या है, चैनल को क्या है, वो नहीं रही जी। और दूसरे सवाल पर सर, जो मैंने आपसे किया पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को और एयरवेव्स को लेकर, हाँ, वो जो मैं समझता हूं कि भाई ये जैसे अब प्रसार भारती है, हमारा जब हम लोगों ने इस पे एजिटेशन कर रहे थे तो हम कहते थे बीबीसी का मॉडल हो, खैर वो तो नहीं हुआ, चलो ये है। लेकिन जब तक ये एक डिपार्टमेंट है INB का, आप जो मर्जी कर लीजिए, जितने बड़े नाम दे दीजिए, इसको इंडिपेंडेंट करना जरूरी है। मुझे लगता है कि आप तीनों लोगों ने इस संक्षिप्त समय के बावजूद जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए, मीडिया के लिए, और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी और हिस्सेदार हैं हमारी सत्ता संरचना के, सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि ये जो स्टूडियो की छोटी सी बहस है, वो हमारे समाज में भी, हमारी सियासत में भी, हमारे मीडिया में भी इस बहस को जगह मिले, इसका विस्तार हो। इस सप्ताह
मीडिया जगत के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और निरस्त्रीकरण के बहुत ही सक्रिय जीवंत कार्यकर्ता प्रफुल्ल बिदवई का एम्स्टर्डम में इसी 23 जून को निधन हो गया। हम मीडिया मंथन की तरफ से वो गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक ऐसे मीडिया के सक्रिय और जीवंत चेहरे थे जिन्होंने न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने कर्म से भी समाज, देश और आम जनता के पक्ष में कदम ताल किया। हम ऐसे मीडिया कर्मी को सलाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मीडिया मंथन के आज के अंक का समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।